प्रबोध कुमार जी ठके एक महीना 15 दिन अगाड़ी दवाई लाबे जाए रहे तो दवाई नहीं रहे एगो सीटोमोल कहकर दवाई नहीं तो वही दवाई के जहाँ तक विषय वस्तु वाला बात है तो वही दवाई में इंचार्ज के चाहे डॉक्टर के एक के हम सब लोकल आदमी हमने के ई बुझाइए कि ई दोष नगर पालिका के है या प्लस वार्ड अध्यक्ष चला सब आदमी सब तो उनकरे अंदर में या उनकरे रेख देख सब कुछ तै के लगे दवाई के जहाँ तक लह है पर्सेंट के जहाँ तक लह दवाई नहीं है तै के चलते पर्सेंट नहीं अब दवाई मिली थी हॉस्पिटल है हॉस्पिटल के दे होव के चाहिए जनता के सुख सुविधा तै में कहीं ना कहीं दवाई के जगह पर त्रुटिपूर्ण नहीं त्रुटि तेहन बात नहीं है लेकिन ऐसे पहले हम सब अहिये रही तो मंत्री जी से आये रहते उनका नाम है डॉक्टर सुरेंद्र यादव तो आये रहे तो कल के जो दवाई नहीं है तो हमरा है ना लिख के दी अगर जो इंचार्ज रहे वही टाइम में नहीं दिल के लिख के तो वही समय में वही इंचार्ज के चाहे जे कोई वही पद के जिम्मेवारी व्यक्ति रहे जिम्मेवार पदाधिकारी रहे उनकर दोष है लेकिन अगर जब दवाई नहीं है तो जनता अबै छै आ घूम के चल जाए जबकि जना उदाहरण में देखू कि अही ठाम देखल एम्बुलेंस आए वर्षों पाँचों बरस से आई थनकी आयल है देख के हम के की कहूँ यानी कि कते दिक्कत हो जे चीज़ हमने सबके 1500 में होती से चीज़ 2025 से 3000 रुपया तीर के जाए पड़ी बुझलिए अब सबके लागी हम सब जनता सब कते दुखदायी तो बात है कते विडम्बना है सब कोई कहू कोई बोलू जब तक एक नगर पालिका से सब सुविधा न दे तब तक तो नहीं होते कर्मचारी कौन अपना पॉकेट से तो कोई कुछ न कर सके हमरा सब जे हमर सबके कहाँ अथी कमी रहते हमारा स्टाफ सब न होते तब चाहे हम न अब तब अब ये जो कहब नगर पालिका जो न देते तब हम खूब कुछ न कर सके हम सब अब अस्पताल में बैठे जो दवाई हमरा सबके से सब बटे जो न से लिख दे अपन खरीद के लगे बहुत कम है दवाई मतलब नाम के लाई कुछ कुछ है कभी तक कोनो दवाई हम ककरो फूल जो देव तो न पहुँच सके कोर्स के हिसाब से देवे तो सात सात दिन के कोर्स के हिसाब से देवे तो ककरो न पूछते अब कुछ देली लिख देली अपन खरीद ल नगर के नहीं हम हमरा सबके तो मालूम नहीं है अभी खरीद लेंगे दवाई नगर पालिका से अपने सबके दवाई अखन नहीं प्राप्त नहीं किनल दवाई कोनो प्राप्त नहीं करे छी लिखे तो देले छी मांग फार्म करके देले छी लेकिन दवाई कहे किनाइले नहीं तो हम कहाँ से ले उ सब संयोजक सदस्य कहते जाले बोर्ड के मैनेटरी ने बैठते लिखते ना उ सब किनते ना तो संयोजक सब कहाँ से लगे अब अभी जब अखनी कल के सुतकेरी के बाद पैसा बैंक में जमा है ना तो वह कहे तो दू साल कहे ना जो कल की ना तो बैंक में अभी जमा है अभी तक न बटाइल दू साल के आ इस साल के तो अभी तक निकसे न भेल अब हम सब अलिए तो जो नया पुराना इंचार्ज सब थे तो उनका सबसे हस्तांतर हो जाते सब चीज कमिटी बैठ के फटफट फटक कर देते तब हम सब उसे बट अब हम सब तो बट में छोड़ब आदमी के कहला तो दू साल से बाकी जे अब जैसे गाड़ियों पड़े कहे छे इंचार्जे सब खा गए पैसा कर्मचारिये खा गए पैसा लेकिन हम सब की करें हमरा सबके पास पर जे रहते से ना हम सब स्टाफ तो अबते हम सब स्टाफ डिलीवरी करबते है पेकअप तो भरते है इसके चलते पेशेंट में कमी जरूर है पहले से पेशेंट आते घूर के जते तो कौन फायदा होते कौन फायदा होते कहे छे यहाँ किनबे करब तो बल्कि हमरे खरीद लें से कहे छे पेशेंट अब जो हमरा सबके उपलब्ध है से सब दे छी जे सब न है तो उसे हम सब कहाँ से दे एक बड़ी से बेसी से बिगड़ल से बिगड़ल है आ एक चाभी आ बुलू बुक यहाँ के संयोजक भी रख ले महावीर रख ले सह संयोजक एक चाभी एक कौन कागजात है वह रख ले वह दिन वह मैनेटी में देख ली लिखी देख ली नहीं तो वो हमरा सबके जानकारी नहीं पहले जिला छे तो कोनो कठिनाई नहीं छे सब चीज वहाँ से फुलफिल रह गए एक्सपायर होकर देखा गया जै टाइम से पालिका भेले तै टाइम से 10 दिन के लागी मेडिसिन अब से जे कि यहाँ प्रथिंग महीना में 30 गो 25 गो हमेशा होइ छै अब ओइ के सिलसिला में यहाँ एगो ग्लव्स से लेके प्लस यहाँ एगो बेड तक भी व्यवस्थित न है पेशेंट के लागी
रात बिराति अबै छी केस पेशेंट के तो ग्लव्स किन के लेके आउ तो उहन टाइम में केते के बच्चा निकल गेले छ हम सब विभिन्न किस्म के ग्रसित रहै छी पेशेंट केना के छुई हुए पेशेंट केते के लागि कते बच्चा भी फेर जाइत रहै छी माय भी ठहर जाइत रहै छी माय के सुता लागि जे तो मेटेस होइ छी ने वो भी नहीं है। एक बार बर्थिंग सेंटर में बेड ही बेडो भी व्यवस्थित नहीं एगो बेड छे टूट गए आ दोसर बेड पर वही पर कम्फर्टेबल नहीं ताकि लेल यहाँ एकदम कठिन स्टाफ मात्र यहाँ अपन सेवा दे रहा प्लस यहाँ सुविधा कुछ नहीं 5 दिन लागे दवाई मेडिसिन दे 10 गो ग्लव्स दे 15 गो ग्लव्स दे 2 दिन चले फिर खत्म भ जाए फिर आम जनता आबे हमरा दोसर पेशेंट के दिलिए सुविधा हमरा कैला कि नबे एतबे देने छे तो हम केना करू अहाँ सबके नहीं मांग कर आइ हो जती बिहान भ जती देवी 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 कर करी तो एहने बीत रही तक बाद यातायात खर्च हो प्रोत्साहन भत्ता हो भी 2.5 वर्ष से बाकी बटाई के खाता में पैसा दिया गया है आई बिहान कर भी बटा रही प्रोत्साहन भत्ता से लेके यातायात खर्च उन्होंने न्यानो झोला मिली रही उन्होंने दे रही बेड कम्फर्टेबल नहीं होती है आदमी के पुशिंग करे टाइम नहीं दे मतलब जे माँ आर पुशिंग कर कम्फर्टेबल नहीं होती है कोई अ पराठा से बनिया लोग घर में जेना झूठ लेकर नहीं अच्छा है।